पतिदेव, आरती का थाल आपके स्वागत आपके सम्मान में मैंने सजाया था, आपने उसे ठोकर क्यों मारी? आपने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? आखिर ऐसी मेरी कौन सी गलती थी? तू नहीं जानती। बिल्कुल नहीं जानती मेरी गलती कौन सी है, मेरा कसूर क्या है कि आपने मेरा आरता मेरा स्वागत स्वीकार नहीं किया। जो आरती का थाल तूने मेरे लिए सजा रखा था, ए श्रोताओं, नौजवान साथी बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अच्छी बात लगे तो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे देना। जो आरती का थाल तूने मेरे लिए सजा रखा था सोमवती, वो मेरे लिए नहीं, वो तो किसी और के लिए सजा रखा था जिसके साथ तूने कई रात व्यतीत किए थे सोमवती। पतिदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि आपका दिया हुआ सम्मान इस संसार में मैं जाओ, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से, तेरी सकल सूरत भी नहीं देखना चाहता मैं। परंतु बिना मेरा कसूर बताए बिना आप मुझे कोई आरोपित घोषित नहीं कर सकती। तेरा कसूर? बिल्कुल, मेरी बात सुनिए महाराज। जवाब दूंगा, ठोक के जवाब दूंगा, कह दे अपनी सुन लीजिए, पूछ ले। जवाब दे रहा हूं ससुरो, एक बार और पूछ ले। अगर अपने भाई को बात, इस बालक को बच्चा जानते हो, अपने से भाई जानते हो, छोटा बालक जानते हो, तो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे देना, इसकी बात सुनने के बाद जब जवाब दूं, एक बार और पूछ ले। क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी, हिया रोवे प्राणो प्यारी। सुन ले, अरे कर ले न पत्कार आरता, जिससे जोड़ी यारी, जिससे जोड़ी यारी। क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी, रोवे प्राणो प्यारी। अरे कर ले न पत्कार आरता, जिससे जोड़ी यारी, जिससे जोड़ी यारी। शरीर है ये, या तो ये बात खुद मैं जानती हूं, या मेरा वो राम जानता है कि पतिदेव आपकी ना मौजूदगी में इस सोमवती ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे दोनों कुल को लज्जित होना पड़े, दोनों कुल को शर्म से। छत्री की परिभाषा जानती है तू? बिल्कुल जानती हूं। क्या है? मेरी बात सुन लीजिए महाराज, कि सबसे ये सती भरी हुई है, अपने धर्म को टिकाने वाली नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए और जवाब। किसी ने सही कहा है सज्जनों कि ये नार नहीं नारंगी है, ये नार नहीं नारंगी है, अरे नारंगी नहीं दसरंगी है, अरे ढकले तो सारे कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है ये। सुन लीजिए मेरी बात को, कह दे अपनी बात ने। शरीर पिया जी, सत से भरे शरीर पिया जी, मत ना कर जुबा गंदी। अरे दरबारा में, दरबारा में, दरबारा में जाहिर होगी किरणमयी आज झरझंदी, किरणमयी आज झरझंदी। अरे देखा कौन सा, ये देखा कौन सा, देखा कौन सा दोष पिया जो बोलन की पाबंदी। अरे देख लिया, देख लिया,
दिखा देख लिया सबूत तेरा यो बैठी नहीं सभा अंधी ए बैठी नहीं सभा अंधी अरे मैं बोलूं मंदी मंदी हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे 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 मैं बोलूं मंदी मंदी तुम्हें शोर कर रहा तो भारी अरे शोर जगत में शोर जगत में शोर जगत में फैलेगा जब मरले छतर धारी मरले छतर धारी पतिदेव कहो ये सोमवती कुछ समझी नहीं कुछ जानी नहीं आखिर आप कहना क्या चाहते हैं आपका तात्पर्य क्या है मैं जी हाँ मैं जो कहना चाहता हूँ तेरे सवाल का जवाब बिल्कुल खोल खोल कर रख दीजिए जो आपके मन में सवाल है जवाब दूंगा उनका एक एक करके जवाब दे दूंगी मैं ऐसा जवाब दूंगा कि तेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकलेगा मेरी बात सुन लीजिए महाराज ये अल्फाज है अरे खोल हकीकत खोल हकीकत कहो पिया में इब तक जानी कोन्या अरे शेर खान ते शेर खान ते शेर खान तरफ पूछ लिए तू अब छतरानी कोन्या अब छतरानी कोन्या ये शेर खान कौन है नहीं जानती कहाँ कहाँ है क्या नाम है क्या गांव है ये सोमवती नहीं जानती पतिदेव आखिर ये शेर खान का नाम आपने क्यों लिया ये बात सोमवती की भी नहीं है ना जिन कितनी जितनी भी हमारी ये है मेरी बात सुन लीजिए बोलन देकर सारी बात हाँ बोलिए चल एक बार कहते जब बताऊंगा तुझे अरे कौन शेर खान कौन शेर खान कौन शेर खान कड़े रहे ये बात पिछानी कोन्या अरे कहीं डूब के मर जाती तने पाया पानी कोन्या पाया पानी कोन्या धर्म डुपानी नारी कोन्या हो धर्म डुपानी नारी कोन्या मैं लाखों कसमी उठारी अरे झूठी कसम खा सकती है घर के बारी बारी घर के बारी बारी पतिदेव कहो एक शाही घराने में जन्म लिया एक छत्री के घर जन्म लिया एक छत्री के सर सेहरा बांध कर ब्याह कराई हूँ एक छत्राणी हो और एक छत्राणी अपने सर को कलम तो करवा सकती है पतिदेव पर अपने धर्म को नहीं डिगा सकती ऐ सोमवती जो तूने छत्रापन के दाग लगाया है वो दाग धुवे से धुवेगा नहीं बिल्कुल भी अच्छा हाँ मेरी बात सुनिए कह दो अपनी बात नहीं रंडी के कागज पे सजन तू रंडी के कागज पे सजन नाम लिखूं तू मेरा अरे मारवाड़ते उजड़ करकी रजपूता कनेरा पतिव्रता कने में अटल में नाम रटू थी तेरा मेरी नजरों आगे नजरों आगे से हट जा दिखे इतना धर्म बतेरा छत्रापन का सिर सहरा हो छत्रापन का सिर सहरा क्यों ताड़ रहे पलकारी जवाब दे दूं जी बा हाथ उठा के बता दो आशीर्वाद में एक बार जवाब दे दूं तो एक बार ताली बजा देना एक बार इनसे पूछ लूं एक बार कह दे फिर छतरापन का सिर सहरा क्यों पलकारी इधर आ जा जरा दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे देना जहां शेर खा की
जहां शेर खाकी जहां शेर खाकी सेज चढ़ी वो हो गई तुम्हारी गई वीरता मारी। अरे क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी रोह में प्राणो प्यारी। अरे कर लेने बदकार आरता जिसे जोड़ी यारी जिसे जोड़ी यारी। वक्त उठा दे वक्त गिरा दे बात वक्त और प्यादा बने वजीर वक्त पे राजा बने भिखारी। प्राणनाथ आपको समझाई से भी मेरी बात समझ नहीं आ रही। और कहते हैं कि बुरे को बुरा नहीं कह सकता, कोई अच्छे को बुरा कहने के लिए सब तैयार हैं। पतिदेव ये मेरा राम मालिक है कि आपके अनुपस्थिति में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जो आपको लज्जित होना पड़े शर्माना पड़े। पतिदेव अरे बड़ा दिन एक बात आप भूल रहे हैं कि संसार में पतिव्रत धर्म को आज तक कोई डिगाने वाला पैदा नहीं हुआ। और हे पतिदेव यदि एक पतिव्रता स्त्री चाहे यदि एक पतिव्रता औरत चाहे तो आठ पहर तक सूर्य को एक जगह रोक सकती है एक जगह स्थिर कर सकती है। इतनी शक्ति इतनी ताकत एक पतिव्रता औरत के अंदर होती है। तेरा जवाब बिल्कुल ठीक दूंगा दादा जो करे पूरी रागड़ी गई पूरी गाऊंगा दादा तो छोड़ूंगा ही नहीं मैं से। पर थोड़ी सी लीड बढ़ा दे इसने। जवाब दे रहा हूं इसका इतना बढ़िया जवाब दूंगा। बढ़िया जवाब ये है जितने भी हमारे श्रोता बैठे हैं सब ने छोरियां ना देखे ना छोरियां बढ़िया गा रही है। मैं बढ़िया गा रहा हूं या घटिया गा रहा हूं ये बताओ हाथ उठा के बताओ। अब जवाब दे रहा हूं पहले भी मर्द बड़ा गाड़ा हुआ करता। धूल उड़ाने दे पतिदेव। ओ रुक जा। कभी सूर्य को आटा नहीं जा सकता। धूल तेरी जैसी धूल उड़ा में हम। अच्छा चल के बता दो। मैं बताऊंगा तुझे ये बात ठीक है जवाब दूंगा। अब कह दे अरे धूल उड़ाने ते साजन कदे धूल उड़ाने ते साजन कदे सूरज अटता कोना। जवाब दे रहा हूं हाथ उठा के एक बार। इसने कहा है धूल उड़ाने थे साजन है। अब मेरा जवाब सुन लेना सजनों। राहु आके सूरज का कद रंग पलटता कोन्या रंग पलटता कोन्या। छोड़ रो नीचे मत आइयो। क्यों आसाराम के चेला बैठे हैं। तन्ना छोड़ के तो मैं ऊपर भी को नहीं जाऊं। बिल्कुल नहीं तन्ना छोड़ के तो मैं ऊपर भी को नहीं जाऊं। पतिदेव तेरे तो पूरा प्यार करो हूं जब तक मैं नहीं कहूं जब तक तो तन्ने मन्ने राम भी नहीं ले जावेगा। भाई जितने भी गौशाला के अंदर कमेटी वाले हो तुम्हें पसंद आ रही है जी रागनी तो एक काम करो अपने अपनी जेब से 500-500 रुपये मनोज भाई पकड़ा दो मेरी तरफ मत करना क्योंकि गौ और ब्राह्मण की तो सेवा करनी चाहिए। ये तो पहले तो ग्रंथों में लिखा हुआ भाव जी साधु भी जोड़ लू गौ ब्राह्मण साधु। वैसा आजकल साधु रहे कहां जी माला जपने वाले जेल में पड़े घने। कह दे जवाब दूंगा तेरा। छोड़ रोबती चाल पड़ा मेरा फिर तो देख लो इनके 74 अब अपनी सी बाब मर्द ऐसा करते हैं इन लोग सोने की चैन चाहिए नहीं तो मैं चली ससुराल। और हेलो पीआर रुक जा इनके पास कोई उपाय नहीं इनके पास एक ही उपाय लोग मैं तो बालकन की वजह से रुक रही हूँ नहीं तो मैं चली जाती। मैं अब कह रहा हूँ बालकन को ब्याह भी होगा तुम जाओ क्यों ना हो कितने हुआ मन देखा नहीं सुना नहीं एक भी ना जा सके। एक मिनट रुक जा ये जितनी बैठी है तुम भी बैठी हो
ये जितनी बैठी है तुम्हें कसम है अपने अपने पतियों की, तुम्हें कसम है अपने अपने पतियों की, वही हाथ उठाएंगी जो मैं पूछूंगा। जो अपने पति के निष्ठेम पैर दबाती है, सेवा करती है, जरा एक बार हाथ उठिए बोलो। सेवा सारी करे है, सेवा सारी करे, बिन सेवा के नहीं डटा। अरे सुनी मेरी बात, जय ये सेवा नहीं करे फिर तू करे करे है, फिर इना की सेवा तू करे करे है। तेरी बात ना सुन रहे, मेरी बात सुन रहे, और सेवा जब इनकी सेवा ये नहीं करे तो फिर तू करे करे है, जवाब दे मन्ने। और रुक जा रामदेव की फूफी, आके दे रामपाल। सेवा कौन करते हैं भाई, जितने भी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहां धर्म को मानते हैं, और जो धर्म को मानते हैं, जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी है, जो माँ बाप की सेवा करते हैं, एक बार भाइयों जरा दोनों हाथ उठा के एक बार बता दो, दोनों हाथ बिल्कुल, ये देख रहे, जयकारा भी लगा दो, बोल क्यों माता की। हेलो देख अड़ा देख, तेरा फूफा धरती देखे अलग अलग दुश्मन ना आज का शत्रु, तड़के दाई नु कह रहा 40 रुपए दे मन, 40 रुपए ना। मैं बताऊंगा उसने हाथ क्यों नहीं खड़े करे। हाँ? उसने हाथ इसलिए नहीं करे, वो पिछले जन्म में मेरी घरवाली रही होगी। अच्छा, खरे आदमी मुंह पे कहते कहते डरा नहीं करते, जानती है इस बात को? हाँ बिल्कुल जानती हूँ। अब कह जवाब दूंगा तेरा, ले सुन ले, कह दे जब वो भी सो गई। चाल पड़ा मेरा फिर अब फिर जवाब दे रहा हूं जी, जवाब दे, दे। अरे रुक तो जा, जवाब दे रहा हूं जी, फिर एक बार ज्यादा नहीं, दो मिनट का काम हो रहा है, ताली बजा के मेरा हौसला बढ़ा दिया अपने भाई का, और ज्यादा कुछ नहीं, इनने तो बेशक मर जान दे, इनकी वो जरूरत ना है। हाँ कह दे एक बार फिर, छोड़ रोबती रे छोड़ रोबती, छोड़ रोबती चाल पड़ा मेरा हृदय डटता कोन्या। बाऊजी एक मिनट का काम हो रहा, हाथ उठा दो एक बार जरा, वह उठा दो यार, भले मानसो जो हाथ नहीं उठाए वो अपने बीरवान इनको गुलाम है। हाँ जरा हाथ उठाओ, जब मर्द है जरा हाथ उठाएंगे, एक बार फिर कह दे जवाब देख। छोड़ रोबती चाल पड़ा मेरा हृदय डटता कोन्या। अरे कब तेरी आका, कब तेरी आका, कब तेरी आका ध्यान पलट जा, मेरा पट्टा कोन्या, मेरा पट्टा कोन्या, छंद जे करण छटता कोन्या, हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे 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 रे, छंद जे करण छटता कोन्या, इन पीरा की मत न्यारी। अरे राजा भरतरी ने, राजा भरतरी ने, राजा भरतरी ने जोगी कर की रानी पिंगला प्यारी, रानी पिंगला प्यारी। अरे क्यों ठुकराया थाल पिया तेरी, रोवे प्रहलो प्यारी, करले ने बदकार यार ता जिसने जोड़ी यारी, जिसने जोड़ी यारी।